नमस्कार डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि पिछले 3 से 4 दिनों से ऑब्जर्व किया जा रहा है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर तापमान ज्यादा है, लू का प्रकोप है, जबकि दूसरे हिस्सों में हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि आदि तूफान की स्थिति लगभग लगभग जो खासकर दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सक्रिय है। अभी आज अगर हम सिनॉप्टिक परिस्थितियों की बात करें तो ये आप मराठवाड़ा के उस ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे इंटेंस क्लाउडिंग है। सैटेलाइट पिक्चर में यहाँ पे भी एक चक्रवाती घेरा है जिसके कारण दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ जो नमी आ रही है इंदौर, उज्जैन, भोपाल और मुर्दापुरम और साथ में जबलपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा, कहीं कहीं पे धूल भरी आंधी और साथ में हल्के छोटे आकार के ओलावृष्टि और कहीं आंधी, ये परिस्थितियां अगले 2 से 3 दिनों तक सक्रिय रहेंगी। जबकि एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास पछुआ पवनों के बीच में एक ट्रफ के रूप में, जबकि दूसरा एक चक्रवाती घेरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वहाँ पे भी सक्रिय, जिसकी वजह से जो उत्तर पूर्वी या फिर दक्षिण पूर्वी हवाओं का सम्मिलन है उत्तरी मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है, जिसमें ग्वालियर, चंबल, सागर और शहडोल संभाग के जिले और साथ में रीवा संभाग के जिले शामिल हैं और इसी कारण से यहाँ के तापमान लगातार बढ़े हुए हैं। इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए आगामी 24 से 72 घंटों की फोरकास्ट की बात करें तो आप मैप पे देख सकते हैं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, इंदौर, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, जबकि पानभूना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी जिलों में जहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ पे आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और कहीं कहीं पे तेज हवाएं 40 से 50 से कहीं कहीं पे 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जबकि इससे लगे हुए दूसरे जिलों में भी हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, हवा की गति जहां पे 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रह सकती है। वर्षा की गतिविधियां कल से थोड़ा घटने लगेंगी, हालांकि दक्षिणी जो जिले हैं जबलपुर और इंदौर संभाग के जिले वहां पे तब भी सक्रिय रहेगा, 11 जून को भी वहां पे हल्की बूंदाबांदी होने के आसार है। साथ ही जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, चूंकि मानसून के आने में भी मध्य प्रदेश में काफी टाइम है, तो ये जो शुष्कता है वो थोड़ा बरकरार रहेगी और 11 जून के आसपास जो तापमान है उत्तरी मध्य प्रदेश में फिर से एक बार 44-45 या उससे भी ज्यादा जा सकते हैं और इसी वजह से जो बुंदेलखंड या फिर विंध्य के इलाके हैं जहाँ पे निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मऊगंज, कटनी, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, इन जिलों में 11 जून से लेकर 12-13 जून के आसपास तक हीट वेव यानी लू का प्रकोप देखा जा सकता है। पिछले 3 से 4 दिनों में कई जगहों पर ऑब्जर्व किया गया है, खासकर लोकल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज में, कि मानसून में 13 जून से मानसून मध्य प्रदेश में 13 जून से मानसून आ जाएगा, जो कि एक पूरी तरीके से गलत है। इस तरह के किसी भी रूमर पे आप विश्वास न करें। अभी आज जो मानसून का स्टेटस है आप देख सकते हैं, जो साउथ वेस्ट मानसून का एडवांसमेंट है 9 जून को, ये जो है मुंबई में आज अनसेट हुआ है। हालांकि 2 दिन बाद से जो मानसून की अरब सागर की ब्रांच और साथ में बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, ये दोनों ही कमजोर पड़ जाएंगी और ये अगले 1 हफ्ते तक रिवाइव होने में इसको समय लगेगा और 17-18 जून के आसपास फिर से ये एक बार बंगाल की खाड़ी की जो मानसून करंट है वो स्ट्रांग होगी और उसी के चलते हुए मध्य प्रदेश में मानसून आंसेट 17-18 जून के आसपास संभावित है। उसके